A very good morning to all my dear HS first year students. Welcome to the new group of Logic and Philosophy. आज से आप लोगों का सारा ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इसी ग्रुप में होने वाला है. सो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप, वो लोग प्लीज़ जल्द से जल्द ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है. Now today we will start with a new chapter, okay? Unit 2, chapter 3. मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि यूनिट 2 में चार चैप्टर्स है. चार चैप्टर्स में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दो चैप्टर्स, दैट इज टर्म एंड प्रपोजिशन करा लिया है, ठीक है. आज हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे. चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी सेंटेंस टू लॉजिकल प्रपोजिशन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी सेंटेंस टू लॉजिकल प्रपोजिशन, ठीक है. आपका जो लॉजिक का टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप पेज नंबर 42 निकाले, पेज नंबर 42, ठीक है. नाउ ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश में जैसे आप लोग ग्रामर करते हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन ग्रामर जो आप लोग सीखते हो, सीखने के बाद प्रैक्टिस करते हो तभी उसमें एक्सपर्ट हो सकते हो, राइट. ये भी कुछ कुछ ग्रामर की तरह ही है, जिसमें ग्रामर की तरह ही बहुत सारे रूल्स है जो आप लोगों को याद करना है, और उसके बाद कोई भी सिंपल सेंटेंस को आप लॉजिकल प्रपोजिशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ओके. एंड व्हाट आर द लॉजिकल प्रपोजिशन, मैंने अपने कल के वीडियो में ही आप लोगों को समझाया था ए ई आई ओ के बारे में. यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रपोजिशन, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन, पार्टिकुलर एफर्मेटिव प्रपोजिशन एंड पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन. ये चार ही लॉजिकल प्रपोजिशंस है जिसमें आप लोगों को कोई भी सिंपल सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है. उससे पहले पेज नंबर 43 से बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इनटू लॉजिकल प्रपोजिशन. वो आप लोगों का होमवर्क है. यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स. अगर आप लोग ये रूल्स अच्छी तरह से नहीं याद करोगे तो फिर इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, ठीक है. आई नो कि बहुत सारे रूल्स हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ. आप एवरी डे ओनली 5 रूल्स याद करेंगे, ओके. एवरी डे 5 रूल्स. Now you go to page number 48, okay? Go to page number 48. इसमें बहुत सारे सेंटेंस दिया गया है जिसको मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना सिखाऊंगी इनटू लॉजिकल प्रपोजिशन. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. पहला सेंटेंस, वाइज मैन आर जनरली फ्लैक्सीबल. वाइज मैन आर जनरली फ्लैक्सीबल, ओके.
सपोज ये सेंटेंस एग्जाम में आया है और आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है टू लॉजिकल प्रोपोजिशन. लॉजिकल प्रोपोजिशन क्या क्या है? ए ई आई ओ, ठीक है, दिस आर द लॉजिकल प्रोपोजिशन. सो इसको, इस सेंटेंस को इन चारों में से एक प्रोपोजिशन में ट्रांसफॉर्म करना है. सो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा एक सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए? सबसे पहले देखना पड़ेगा वो जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है. ओके, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव या फिर यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर पार्टिकुलर नेगेटिव. ठीक है, वाइज मैन आर जनरली फ्लैक्सिबल. वाइज मैन, हाउ मेनी वाइज मैन आर देयर इन द यूनिवर्स? आर ऑल मैन ऑफ द यूनिवर्स वाइज? क्या सारे दुनिया के लोग वाइज है? नहीं है. दैट मीन्स वाइज मैन कुछ ही हो सकते हैं, ओनली सम मैन आर वाइज, राइट? इसका मतलब ये प्रपोजिशन यूनिवर्सल हुआ या पार्टिकुलर हुआ? पार्टिकुलर हुआ, क्योंकि ये सारे दुनिया के लोगों के बारे में नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा है. ओनली अबाउट वाइज मैन, सो इट विल बी अ पार्टिकुलर प्रपोजिशन. सो पार्टिकुलर प्रपोजिशन क्या क्या है? ए इज अ यूनिवर्सल प्रपोजिशन, ई इज अ यूनिवर्सल प्रपोजिशन, आई इज अ पार्टिकुलर प्रपोजिशन, ओ इज अ पार्टिकुलर प्रपोजिशन. ठीक है, तो फिर अभी पता चल गया है कि ये सेंटेंस आइदर आई या फिर ओ हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही पार्टिकुलर प्रपोजिशन है और ये सेंटेंस भी पार्टिकुलर है. ठीक है, नाउ ए ई आई ओ यूनिवर्सल दोनों को काट देते हैं, क्या बचता है? ओनली पार्टिकुलर प्रपोजिशन, दैट इज आई एंड ओ. नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आप लोगों को देखना है वो देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है. ओके, नेगेटिव तभी होगा जब उस सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ऐसा कुछ वर्ड्स लगेगा. तो इस सेंटेंस में क्या ऐसा कुछ वर्ड है? वाइज मैन आर जनरली फ्लैक्सिबल. नो, मतलब इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसीलिए इस सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव है. ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. तो फिर हम लोगों के पास क्या बचा था? आई एंड ओ बचा था, राइट? नाउ अगर ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो फिर ये ओ नहीं हो सकता है, क्योंकि ओ तो पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है. ठीक है, तो फिर हम लोग ओ को भी काट देते हैं. काट दिया तो फिर क्या बचा? सिर्फ आई बचा. एंड व्हाट इज आई? आई इज पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन. आई इज पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन. दैट मीन्स इस सेंटेंस को आई में ट्रांसफर करना है. कैसे करेंगे? Men are flexible. Okay, some men are flexible, or some wise men are flexible. Okay, now this is an I proposition, particular affirmative proposition. Okay, clear? जब भी सम लग जाएगा, सम मैन, सम वाइज मैन, सम ऑनेस्ट मैन, तब भी वो पार्टिकुलर प्रपोजिशन हो जाएगा. और जब भी ऑल या फिर एवरी ऐसा कुछ वर्ड लगेगा
तब वो यूनिवर्सल प्रपोजिशन होगा। यूनिवर्सल मतलब ए एंड ई प्रपोजिशन, जो सारी दुनिया के बारे में बात कर रहा हो, और पार्टिकुलर मतलब अबाउट सम पीपल और सम थिंग, सो दैट इज पार्टिकुलर, दैट इज आई एंड ओ प्रपोजिशन। ठीक है, सो फिर से एक बार, किसी भी सेंटेंस को लॉजिकल प्रपोजिशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। ओके, यूनिवर्सल होने से ए या फिर ई प्रपोजिशन में ट्रांसफॉर्म होगा, और पार्टिकुलर होने से आई या फिर ओ प्रपोजिशन में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, नाउ उसके बाद जब हम लोगों को ये बात पता चल जाए कि ये यूनिवर्सल या पार्टिकुलर है, उसके बाद हम लोग उस देखेंगे कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर ए या फिर आई में ट्रांसफॉर्म होगा, और अगर नेगेटिव है तो फिर ई या फिर ओ में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद ही हम उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, और एक सेंटेंस करते हैं। ठीक है, सेम पेज नंबर बी, वन मोर सेंटेंस, मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपर्ट इन फुटबॉल, मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपर्ट इन फुटबॉल। सो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ए ई आई ओ, करेक्ट। नाउ सबसे पहले क्या देखना है, ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, राइट। मोस्ट स्टूडेंट मतलब पार्टिकुलर, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट होने से यूनिवर्सल होता, मोस्ट स्टूडेंट मतलब ज्यादातर स्टूडेंट, सब नहीं, सब स्टूडेंट नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट। तो फिर ये यूनिवर्सल होगा या पार्टिकुलर, पार्टिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सबके बारे में नहीं, सिर्फ मोस्ट स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, ऑल स्टूडेंट के बारे में नहीं, सिर्फ मोस्ट स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है। तो फिर ये पार्टिकुलर प्रपोजिशन होगा वंस अगेन। तो फिर हम लोगों को क्या काटना है, यूनिवर्सल काटना है, दैट इज ए ई को काट दो, बिकॉज ये यूनिवर्सल प्रपोजिशन नहीं है, ये एक पार्टिकुलर प्रपोजिशन है। नाउ दूसरा पॉइंट हम लोगों को देखना है कि ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपर्ट इन फुटबॉल, मोस्ट स्टूडेंट आर नॉट एक्सपर्ट इन फुटबॉल, नॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स ये एक नेगेटिव प्रपोजिशन है। सो हम लोगों को अभी क्या पता चला, दैट इस ये जो सेंटेंस है ये पार्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस है, और पार्टिकुलर नेगेटिव सेंटेंस को किस वर्ड से हम लोग सिंबलाइज करते हैं, ओ से। ओ का मतलब है पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन। तो फिर क्या काटना है, आई को काटो, क्या बचा, ओ बचा, दैट मीन्स वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन, दैट इज ओ प्रपोजिशन। और एक बात साइड में लिखना जरूरी है कि आपने किस प्रपोजिशन में ट्रांसफॉर्म किया है, ए ई आई या फिर ओ। सो लेट अस ट्रांसफॉर्म इट,
students are not expert in football. Some students are not expert in football. तो हम लोगों ने किस में ट्रांसफॉर्म किया? पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन में. और पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन किस वर्ड से सिंबलाइज होता है? ओ से. सो दिस इज ओ. दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको साइड में लिखना है कि आपने किस लॉजिकल प्रपोजिशन में ट्रांसफॉर्म किया है. ठीक है, क्लियर? नाउ एवरी डे फॉर few days I will make you practice this proposition and side by side आप लोग जो rules मैंने homework दिया है आप लोगों को वो rules याद करते रहे. ठीक है, and the rules are starting from page number 42, page number 43, page number 44, page number 45, page number 46, page number 47. In fact, ये सारा chapter सिर्फ rules ही है. So every day आप लोग 5 rules करके याद करें. ठीक है, और मैं side by side आप लोगों को practice कराते रहूँगी. It's very simple, थोड़ा सा concentration और practice का ज़रूरत है. और every year around 5 to 10 marks you will get in transformation of sentence. Okay? आई होप सबको समझ में आया होगा. फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ़ यू.